गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने अपने चैप्टर को स्टार्ट किया था फोर्थ को, और हमने प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या आएगा। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिसाइज इन द एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डज of the biochemicals inputs and irrigations are used for the obtaining higher production। ठीक है, ये जो गहन निर्वाह कृषि जो होती है वह वहाँ पर एरियाज के अंदर की जाती है जहाँ पर क्या है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिलता है आपको। ठीक है, और एक छोटे सा लैंड होता है, यानी कि जो भूमि होती है वो छोटी होती है और वहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें क्या लेबर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। दोनों प्रकार की जो सब्सिडेंसरी एग्रीकल्चर होता है उसमें लेबर को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और ये लेबर भी क्या है जो घर जो फैमिली होती है वो सारी की सारी खुद इसके अंदर वो कार्य करती है अभी। उसके बाद है कि बहुत बड़ी मात्रा में केमिकल जो है जैव हम कह सकते हैं कि हमारे जैविक खादों की बात कर सकते हैं, फिर और अन्य प्रकार के जो केमिकल हैं जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र की बात कर सकते हैं आप, उनका भी बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और इरीगेशन एक और जो सोर्स होता है सबसे ज़रूरी होता है इन एरियाज के अंदर, ताकि क्या कर सके वो अपनी जो प्रोडक्शन को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें भाई। थ्रू द राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीज़न ऑफ द लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन हैज़ रेंडर्ड एंड होल्डिंग साइज अन इकोनॉमिकली। तो जो हमारे यहाँ पर है जी कि जिस प्रकार से एक भूमि थी उसके बाद उसको बेटों को चली जाती है, उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ चली जाती है, इस प्रकार से भूमि का जो टुकड़ा वो छोटा होता चला जाता है, और जिस प्रकार से कई जनरेशन चली जाएंगी तो वो जो लैंड होल्डिंग का जो साइज़ होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। अब उनमें जोरों के पास क्या है जो जीवन निर्वाह के अन्य स्रोत हैं वो थोड़े से कम होते हैं, इसलिए बेचारे क्या इस छोटे से जो लैंड के ऊपर ही वो कृषि करते हैं और अपना क्या करने की कोशिश करते हैं, अपना गुजारा चलाने की कोशिश करते हैं। दस देयर इज़ एनॉर्मस प्रेजेंस ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड, इसलिए क्या कि वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने की प्रयत्न करते हैं। इसके अलावा जो ये कृषि होती है इसको भी दो प्रकार से बढ़ा जाता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल हमारी जो एग्रीकल्चर होती है उसको हम एक तो राइस बेस होती है और एक अदर देन राइस होती है, कि भी एक में तो क्या सिर्फ और सिर्फ राइस का प्रोडक्शन किया जाता है और एक राइस को छोड़कर अन्य फसलों के ऊपर फोकस किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग की। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डज ऑफ द मॉडर्न इनपुट्स एंड दिस इनपुट्स एग्जाम्पल हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। देखिए जैसे ही शब्द से समझ में आ गया कमर्शियल होता है व्यापारिक वाणिज्यिक, तो जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ उसको बेचने के लिए उपयोग किया जाता है उसको क्या कह सकते हैं कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। जो इस प्रकार की जैसे बेचने के लिए उपयोग किया तो सीधी सी बात आपको पूंजी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिएगी। इसके अलावा क्या है कि भी वो कोशिश करते हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त करें, इसलिए क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपको इसमें देखने को मिलेगी, जैसे कि बीज हमारे हाइल्डिंग वेराइटीज़ के बीज हैं, सीड्स हैं, केमिकल होगा, उसके बाद फर्टिलाइजर्स की बात करेगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो नई चीज़ें हैं जैसे ये जो हम कह सकते हैं कि जो इनपुट डाल सकते हैं वो यूज कर सकते हैं, तो हर एक प्रकार का मॉडर्न जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो इसके अंदर यूज किया जाता है। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम द रीजन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल राइस इज़ द कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब बट इन उड़ीसा इट इज़ अ सब्सिडेंशियल क्रॉप्स। उसके बाद जो ये कमर्शलाइजेशन है यानी कि वाणिज्यकरण जो है एग्रीकल्चर का, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। भी हो सकता है कुछ इलाकों में वो फसल क्या वाणिज्यिक फसल के रूप में उपयोग की जा रही है, लेकिन किसी दूसरे स्थान पर वही फसल जो क्या है जीवन निर्वाह के लिए प्रयोग की जा रही है। जिस प्रकार से हम चावल का एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे हरियाणा में चावल आ रहा, हरियाणा और पंजाब क्या करता है इसको स्पेशल वाणिज्यिक रूप से बेचता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर चावल हम बहुत ही कम मात्रा में इसको खाते हैं, जबकि हमारा जो दक्षिणी भारत है वो सारा चावल खाता है, तो इसलिए जो वहाँ पर वो खेती कर रहे हैं वो स्पेशल बेचारों के लिए क्या है कि वो सब्सिडेंस के लिए यूज़ करें, अपने खुद जीवन निर्वाह के लिए करें, जबकि हम यहाँ पर क्या उसको बेचने के लिए उपयोग करें। तो एक ही एरियाज के अंदर क्या है कि वेरीज करती है एक एरिया से दूसरे एरियाज की अगर जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं भाई। उसके बाद है हम यदि आगे चलें कमर्शियल के बाद हमारे पास आती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर।
प्लांटेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप्स इन ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया. द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेरेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज. प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रेड्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ द माइग्रेट लेबरर्स. ऑल द प्रोड्यूसर्स इज यूज टू द रॉ मटेरियल इन द रेस्पेक्टिवली इंडस्ट्रीज. देखिए एक और जो विशेषता, जैसे प्लांटेशन, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो सारी की सारी जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने हमारे जो जो जितने भी विदेशों हमारे जो विश्व के अंदर उन्होंने जितने विदेशों को गुलाम किया उन, जैसे फ्रांस है, ब्रिटेन है, ठीक है, इन देशों ने क्या गुलाम होलैंड पोलैंड होलैंड की बात आती है तो इन्होंने क्या किया है कि भी उन देशों को जिसको गुलाम बनाया तो वहाँ पर इन्होंने प्लांटेशन एग्रीकल्चर की जो है शुरुआत की थी. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आप सभी जानते हैं कि एक सिंगल क्रॉप उसके अंदर क्या है कि एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर वो क्या की जाती है, सोन की जाती है. ठीक है, जिस प्रकार से यदि हम बात करें कि भाई एक एरिया होगा बहुत बड़ा और पूरे फार्म होंगे, आपको सभी को पता है जैसे कि चाय के बागान हैं, कॉफ़ी के बागान हैं, केले के आपके बागान देखने को मिलेंगे या कोकून होता है, तो स्पेशल एक फसल होती है और एक विशेष फसल प्रकार की फसल है कि एक लार्ज एरिया के ऊपर आपको देखने को मिलेगी. और एक और विशेषता कि भी ये फसल नॉर्मली क्या होती है कि सारा का सारा साल चलने वाली होती है. अब एक विशेषता ज़रूर है कि जहाँ पर ये हमारे यहाँ पर क्या है कि भी जहाँ पर एक विशेष स्थान पर उगाई, जैसे हमारे भारत और श्रीलंका को उन्होंने पिक किया चाय के लिए, ठीक है, जैसे ब्राज़ील है, ब्राज़ील के लिए उन्होंने क्या है कॉफ़ी को सिलेक्ट किया, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है और वहाँ के जो बागान होते हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है, वहाँ पर उन्होंने शुरुआत की. इसके अलावा दूसरी तरफ यदि आप चले जाएंगे, यहाँ पर नीचे की तरफ चले जाएंगे, सॉरी नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड पे चले जाएंगे, हमारे जो द्वीप हमारा जो वेस्ट इंडीज का जो हमारे आइलैंड समूह है वहाँ पर उन्होंने क्या विशेष पर क्या शुगर केन को फोकस किया और केले को फोकस किया, तो एक विशेष स्थान के ऊपर उन्होंने क्या विशेष एरियाज के अंदर एक विशेष प्रकार की फसल ही उगाई गई थी. तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है भी एक सिंगल क्रॉप और बहुत बड़े एरियाज के ऊपर बोई जाती है. उसके बाद है कि भी जो प्लांटेशन होता है इसका जो संबंध होता है सीधे तौर पर हमारा क्या होता है वो हमारे उद्योगों से होता है. अगर हम यदि बात करें, देखो बहुत बड़ा एरिया होगा तो सीधी सी बात है कि भाई बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन चाहिए और कैपिटल का मतलब क्या पैसा आपको बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए होगा भी. ठीक है, और क्या है कि भी मोस्टली क्या है कि भी जो माइग्रेटेड लेबर होते हैं उनसे कार्य करवा जाता था, जिस प्रकार से दास प्रथा है आप इसके बारे में इतिहास में ज़रूर पढ़ेंगे कि उनको गुलाम बना के या कुछ तो पढ़ के भी आए आप गुलाम बन के, या फिर आपको याद होगा ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड करवाया जाता था, वो भी क्या है किस्सा था प्लांटेशन एग्रीकल्चर का. और जितना भी क्या है कि भी रॉ मटेरियल ये तैयार कर रहे हैं मोस्टली क्या वो बाज़ार के लिए ही उपयोग किया जाता है, इसलिए क्या है इसको हम कमर्शियल एग्रीकल्चर का एक पार्ट मानते हैं, और या फिर क्या है इनका जो सारा है क्या रॉ मटेरियल के रूप में इंडस्ट्रीज इसको यूज करते हैं. इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबड़, शुगर केन, बनाना एक्स्ट्राज एन इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स. टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटका एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रो इन दिस स्टेट्स. सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर द मार्केट, ए वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन. उसके बाद यदि हम बात करें, हम खुद भारत की यदि बात करते हैं तो भारत में आपको देखने को मिलेगा कि हम चाय उत्पादन कर रहे हैं, हम कॉफ़ी के बारे में उत्पादन कर रहे हैं, रबड़ है, शुगर केन है, बनाना, इनके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे. ये हमारी सारे के सारे प्लांटेशन एग्रीकल्चर है. टी हमारा सबसे ज़्यादा सभी जानते हैं असम के अंदर, और दूसरा जो क्षेत्र होता है जो नॉर्थ बंगाल के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पर दार्जिलिंग का क्षेत्र आता है उन एरियाज के अंदर उत्पादन किया जाता है. जबकि जब हम बात करते हैं कॉफ़ी की तो कर्नाटक राज्य क्या सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर. और उसके बाद क्या कि हम क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्शन क्या है कि स्पेशल क्या मार्केटर के लिए उपयोग किया जाता है, और इसके लिए क्या कि बहुत बड़ी मात्रा में जो ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क होता है वो यहाँ पर क्या है अच्छी प्रकार से विकसित होना बहुत ही ज़रूरी होता है. और विशेष तौर पर जहाँ पर ये बागान आपको दिखाई देंगे वो क्या है मार्केट के साथ अच्छी प्रकार से वेल कनेक्टेड रहेंगे हमारे ट्रांसपोर्टेशन के साधनों के द्वारा, जल्दी से इनको क्या लोड किया और उसके बाद इनको मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है. और उसके बाद है कम्युनिकेशन कनेक्शन एंड द प्लांटेशन एरियाज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. उसके बाद वही दोबारा से बात है कि भाई कम्युनिकेशन के सोर्सेज बहुत ज़्यादा होंगे, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो चुकी है यहाँ पर. उसके बाद है कि भाई जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो मार्केट की बात करेंगे वो इनसे सीधा संबंध रखती हैं. पहले क्या कि भी इनको
मार्केट में लेके जाया जाएगा उस रॉ मटेरियल को वहाँ से, या फिर इंडस्ट्रीज उनको रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग कर लेंगी और उसके बाद क्या उसको मार्केट में सप्लाई कर दिया जाएगा। अभी एक सिंपल सी बात होती है। तो ये एक हमारा जो प्रकार है, एक ये अभी हमारा क्या कहलाएगा कि भी ये कमर्शियल कहलाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर हमने क्या दो ही तरीके से कृषि को बांटा। एक तो हमने बांटा कि भी किस प्रकार से हमारी कृषि हमारी क्या इंटेंस सॉरी हमारी सब्सिडेंसरी एग्रीकल्चर और दूसरा हमारी कमर्शियल एग्रीकल्चर है। उसके बाद हमने इनके क्या सब पार्ट के बारे में डिस्कस किया। अभी अब कल हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न भारत के अंदर किस प्रकार से पाया जाता है।